शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर जान न्योछावर करने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये पंक्तियाँ जब कोई सुनता है तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। सेना का एक जवान भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देता है। पुलवामा में शहीद हुए कौशल सिंह रावत ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन इन शहीदों के लिए सरकार जो वायदे करती है वो शायद कम ही पूरे हो पाते हैं। इसीलिए तो पुलवामा शहीद कौशल सिंह रावत की प्रतिमा आज भी अनावरण की राह ताक रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर सूबे के मंत्रियों तक के पास शहीद के परिवार से मिलने और इस प्रतिमा का अनावरण करने का समय नहीं है। आज इस परिवार का दर्द और जो तकलीफ है वो कोई नहीं समझ सकता। नेता नेतागिरी कर रहे हैं और आम लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। आज 14 फरवरी के दिन उस पर इनके प्राण न्योछावर कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर मैं पुष्प चढ़ाऊँ तो किस पर चढ़ाऊँ। जो अनावरण अभी तक नहीं हुई है उस प्रतिमा पर चढ़ाऊँ या इनके चित्र पर चढ़ाऊँ या इनके परिवार को मैं दिलासा दूँ, क्योंकि बड़े खेद का विषय है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आगरा के अंदर 9 विधायक, 2 सांसद, दर्जा प्राप्त मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब कुछ होने के बावजूद भी 5 साल बीत जाने के बाद बड़े शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, इन अधिकारियों को, जो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी मतलब प्रतिमा पर आकर एक पुष्प माला भी नहीं चढ़ाई गई इन लोगों पे। तो मैं तो आकर बड़ा असमझ की स्थिति में हूँ कि परिवार भी आज अपनी दर दर की ठोकर खा रहा है, परिवार के ऊपर भी जो सरकार ने वादे किए वो भी वादे पूरे नहीं करे। तो अभी बताइए, ऐसी कंडीशन में आकर हम लोगों ने माला तो चढ़ाई ज़रूर, मगर दिल हमारा रो रहा है कि अधिकारी के साथ साथ नेताओं ने भी इन कौशल किशोर जी के ऊपर जो माला चढ़ाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आया, हमने परिवार के साथ बात करी है। हिंदू महासभा ऐलान करता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और जल्दी हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, और ज्ञापन के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इतना समझ लीजिए, परिवार तो अलग चीज़ है लेकिन एक आम देश नागरिक के होते हुए अगर हमें आत्मदाह तक करनी पड़ी तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता आत्मदाह भी करने के लिए तैयार रहेगा, मगर मेरे माटी के लाल के साथ जो दुर्गति की गई है निश्चित तौर पर सेम 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 बहुत बुरी स्थिति है।